आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द लिंक कराना चाहिए। आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं ये आप कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.incometaxindiafiling.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद क्विक लिंक यानी कि यहाँ पर एक लिंक है लिंक आधार, उस पर आपको क्लिक करना होगा। नए पेज को खुलने के बाद ऊपर की तरफ एक हाइपरलिंक होगा जहाँ पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी। इस हाइपरलिंक पर क्लिक करके आपको पैन और आधार की डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा, तब पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। और इसके बाद इसी तरीके से आप आधार को पैन से लिंक करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। हालांकि आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक SMS के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन में कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना होगा IDPN, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखना होगा। इस मैसेज को आपको 567678 या फिर 561611 पर भेजना होगा और बस SMS के जरिए आपका आधार से पैन लिंक हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।